अभी भी रिएक्शन हो रहा है देखो, और यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, ये जो खाली पोर्शन है ना टेस्ट ट्यूब का, तो टेस्ट ट्यूब का खाली पोर्शन है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। तो तुम थोड़ा कैमरा लेके सामने आ जाओ ताकि तुम्हारा वीडियो में पब्लिश कर सकूं, थोड़ा आ जाओ सामने। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, नोटिस करना, जैसे ही यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तुमको क्या करना है, इसके जस्ट टेस्ट ट्यूब के मुंह के सामने इसको लेके आना है। ठीक, चलो गौर से देखना, थोड़ा सामने लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चलो रेडी, इसको लाइट करो, ऐसे बेंड करो थोड़ा, बस। सो अभी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है जिंक, ये मेरे पास है जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये सब जिंक ग्रेन्यूल्स है, देखो जिंक ग्रेन्यूल्स, चलेगा, कुछ नहीं होगा, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक। तो जिंक के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट H2SO4, इसलिए ये एसिड है, क्योंकि ये एसिड है तो हम लोगों को हैंडल विथ केयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये ग्लव्स और आई प्रोटेक्शन भी लगा लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे H2SO4 इस पर लेंगे विथ केयर, उसके बाद हम लोग जिंक को डालेंगे। तो जिंक डालने के बाद जिंक प्लस H2SO4 क्या आएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 हम लोग को सॉल्यूशन में मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का हम लोग टेस्ट करेंगे, पहले हम लोग यहां पे ले लेते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने ले लिया, फाइन, अभी हम लोग इस पे धीरे धीरे एक एक छोटा सा पीस जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें डाल देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ग्रेन्यूल्स डालने के साथ साथ यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है रिएक्शन, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तुम एक काम करो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे, ये जो पूरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है एक्चुअली, ताकि हाइड्रोजन गैस लीक आउट ना हो। अभी हम लोग हाइड्रोजन गैस का जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे करेंगे, किस तरीके से, मेरे पास है मैच या फिर लाइटर, माचिस को तुम थोड़ा इसको लाइट करो, और इसके सामने जब तुम लाओगे वो पॉप साउंड करके ये बर्स्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का टेस्ट होता है पॉप साउंड। अभी सब लोग साइलेंट रहना, क्योंकि पॉप साउंड बहुत धीरे होगा और हम लोग को धीरे सुनाई देगा, ठीक है। इसको थोड़ा लाइट करो, इधर आ जाओ, कोई एक स्टूडेंट इधर आ जाओ, इसको इसको आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं होगा, माचिस जलाने नहीं आता, तुम्हें आता है, और थोड़ा हाइड्रोजन गैस थोड़ा जमने दो इस पर, यहाँ पे कलेक्ट होने दो। तो मैंने क्या दिया, जिंक प्लस, फिर से बोल रहा हूँ, जिंक प्लस क्या मिला, H2SO4 क्या मिला, यहाँ पे व्हाइट कलर का देखो बबल्स निकल रहा है ना यहाँ से, इट मींस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस जिंक सल्फेट यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, जिंक सल्फेट। सर रिएक्शन होना बंद हो गया क्या? नहीं, अभी भी रिएक्शन हो रहा है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, ये जो खाली पोर्शन है ना टेस्ट ट्यूब का, तो टेस्ट ट्यूब का खाली पोर्शन में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। तुम थोड़ा कैमरा लेकर सामने आ जाओ ताकि तुम्हारा वीडियो मैं पब्लिश कर सकूं, थोड़ा आ जाओ सामने, आ जाओ, मेरा कैमरा दूर है इसलिए, थोड़ा सामने आ जाओ, मैं इसको अभी भी फिंगर से पकड़ के रखा हूं ताकि हाइड्रोजन गैस यहां पे और भी जमा हो, और थोड़ा सामने लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, नोटिस करना, जैसे ही यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तुमको क्या करना है, इसके जस्ट टेस्ट ट्यूब के मुंह के सामने इसको लेके रखना है, ठीक है, ठीक है, चलो गौर से देखना, थोड़ा सामने लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चलो रेडी, इसको लाइट करो, ऐसे बेंड करो थोड़ा, बस ठीक है, देखो साउंड हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत धीरे धीरे साउंड हो रहा है,
ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं। जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा करके पॉप साउंड करना, सुनाई दे थोड़ा थोड़ा, मुझे भी थोड़ा सुनाई दिया क्योंकि यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स मैंने छोटा दिया, तो जिसके कारण बहुत कम हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। मुझे माचिस दो थोड़ा, देखता हूँ इसके अंदर डाल के थोड़ा, देखो नहीं नहीं टेस्ट कुछ नहीं, बंद ही हो गया, नहीं स्मूथ नहीं होगा। वो देखो थोड़ा स्पार्क होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे धीरे धीरे, बहुत कम दिखाई दे रहा है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत कम निकल रहा है, मैंने यहाँ पे बहुत कम दिया था जिंक ग्रेन्यूल्स। देखो फिर भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है रिएक्शन, और एक साउंड सुनाई दे रहा है, देखो सुनो माइक को इसके सामने लेके जाता हूँ, फीजिंग सा हल्का सा सुनो, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना साउंड, दिस इज हाइड्रोजन गैस, साउंड हो रहा है, दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ क्या हाइड्रोजन गैस। अगर मेरे पास एक बलून होता तो मैं इसको हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करके दिखा सकता था तुम लोगों को, मेरे पास बलून भी नहीं है, बलून है क्या नहीं है, हाँ वो तो मेरे ये क्या है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, समझ में आया, भूलोगे कभी ये एक्सपेरिमेंट, रिएक्शन लिखना भूलोगे कभी नहीं, भूलोगे जिंदगी में भी नहीं, बस वही तो चाहिए। अरे रुको फैन ऑन मत करो अभी।